हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मिनी इडली की रेसिपी, जिसे हम घर के बेसिक सामान से और बहुत ही जल्दी फटाफट बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। टोमेटो केचप या चटनी के साथ आप इसे सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मिनी इडली। तो मिनी इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लिया है और अब हम इसमें क्या करेंगे, एक कप रवा डाल देंगे। तो ये एकदम बारीक वाला रवा है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दही। तो ये सादा दही है, जितना हमने रवा लिया है उससे जस्ट हाफ हम दही डालेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। इसकी जगह आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो पानी बिल्कुल जरा सा डालना है आपको, 4-5 स्पून पानी डालना है स्टार्टिंग में। अब एक विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अभी थोड़ा सा ड्राई है, हम इसमें पानी थोड़ा सा और डालेंगे और इसका एक अच्छा सा जो बैटर है वो प्रिपेयर करेंगे। तो याद रहे कि जो बैटर है वो एकदम बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का ना रहे। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और हम इसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और इस कंसिस्टेंसी का हमें जो बैटर है वो प्रिपेयर करना है, एकदम फ्लोइंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। हमने लिया है स्मॉल इडली मेकर, जिसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे ऑयल से। इडली मेकर को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब इसके अंदर जो हमारा बैटर है उसको डालेंगे। तो बैटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें। सारा बैटर हमने इडली मेकर में डाल लिया है। अब हम इसे हल्का सा टैप करेंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए और अब हम चलेंगे गैस की तरफ और आगे का प्रोसेस करेंगे। इडली मेकर में ऑलरेडी पानी डाल के रखा है, तो हमें लगभग 1 से 1.5 इंच तक पानी लेना है। तो पानी को पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, इसके बाद ही आप अपना जो बैटर है वो इसमें रखें। तो पानी हल्का गर्म हो चुका है, अब मैं एक एक करके अपने मोल्ड रख दूंगी। हम इसे ढक देंगे और 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। लगभग 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल के चेक करेंगे, नाइफ की हेल्प से देखेंगे। सो एकदम क्लीन आ रही है नाइफ, दैट मीन्स ये अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही हम बाकी के जो हमारा बैटर है उसकी इडलियाँ स्टीम कर लेंगे। सो अब हम इडली फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून राई के दाने डाल दूंगी और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है। 1/2 टीस्पून में इसमें साबुत जीरा डालूंगी, थोड़े से करी पत्ते और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हम इसमें जो हमारी इडली हमने निकाली थी उनको डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, ऊपर जरा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसे कलर देने के लिए और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे गार्निश कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी इंस्टेंट मिनी इडली। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और एक बार इसे जरूर ट्राई करें। फीडबैक में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।